तो क्या हाल है बच्चा लोग। मेरा नाम है बेटा डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह एंड आपका मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ उसका एक्स क्लासेस की ओर, जो आपके एएमयू बीएचयू जामिया नवोदय विद्यालय राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएमएस एंड सैनिक स्कूल की तैयारी कराती है। यहाँ पर हम लोग तैयारी जो कर रहे हैं वो 6th एंट्रेंस ऑफ एएमयू बीएचयू एंड जामिया की कर रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ चुके हैं अपने कई सारे चैप्टर्स के अंदर। दो चैप्टर हम लोग जो है 5th के खत्म कर चुके हैं ईवीएस के, जो आपके 5th या 5th क्लास या फिर 6th एंट्रेंस का एक और चैप्टर है टेस्ट टू डाइजेस्टिंग वाला, उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। उसके अंदर थिक एंड डिस्कस में हम लोगों ने बहुत सारे सवाल और जवाबों के आगे कहते हैं जवाबों के बारे में जाना, बहुत सारी नई नई चीजों के बारे में जाना। अब जो है असल कंटेंट की तरफ लौट कर आते हैं। अपनी एनसीईआरटी को खोल कर रख लीजिएगा, उनमें मार्क करते हुए चलिएगा। हम लोग आगे से स्टार्ट करने वाले थे जहाँ क्लास खत्म हुई थी, उसके आगे का जो है कंटिन्यूएशन रखने वाले हैं। नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप वाला जो था उसके बारे में बात करेंगे, क्या हुआ है नीतू को, क्यों बीमार है, क्यों उसको ड्रिप चढ़ रही है, ये सब के बारे में जानकारी रखेंगे। मोरोवर जिन जिन बच्चों को डीपीपीज और इसके रिस्पेक्टिव नोट्स चाहिए वो उसका हेड क्लासेस पर जाकर अपना जुनून 2.0 बैच जो है उसको चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर आपके नोट्स अवेलेबल हैं, वहां पर आपकी डीपीपीज अवेलेबल हैं और बहुत जल्द वहां पर आपके टेस्ट भी अवेलेबल हो जाएंगे जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, तो नीतू को ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाई जा रही है, बोतल चढ़ाई जा रही है। ग्लूकोज की क्यों चढ़ाई जा रही है इसको पढ़ते हैं। नीतू वॉज वेरी सिक, नीतू क्या थी, बहुत ज्यादा बीमार थी। भैया क्यों बीमार थी चले जानते हैं। ऑल डे शी वॉज वॉमिटिंग एंड शी हैड अ लूज मोशन, पूरे दिन क्या करती रही, उसको उल्टियां होती रही और दस्त होते रहे। तो हुआ क्या, ज्यादा उल्टी और ज्यादा दस्त करने से उसके शरीर में से पानी की कमी हो गई है। वट एवर शी एट शी वॉमिटेड, वो जो भी खा रही थी उसकी उल्टी कर दे रही थी। हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सोल्यूशन, तो उनके पापा ने क्या किया, जब देखा कि बेटी कुछ भी खा रही है पी रही है तुरंत बाहर उगल दे रही है, तो उन्होंने इसके लिए क्या किया, उसके शरीर को बरकरार रखने के लिए, वॉमिटिंग को रोकने के लिए उनके पापा ने नमक और चीनी का घोल जो है पानी के अंदर नमक और चीनी को मिक्स किया और अपनी बेटी को दे दिया। बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक, ठीक शाम होते होते नीतू को कमजोरी छाने लगी, शरीर में से इतना सारा पानी जो बाहर निकल गया। ठीक, कमजोरी छाने लगी, चक्कर आने लगे, डिजीनेस होने लगी, चक्कर आने लगे और कमजोरी छाने लगी। When she got up to go to the doctor, she fainted. जैसे ही वो डॉक्टर के पास जाने लगी तो तुरंत क्या हुआ, वो बेहोश हो गई। ठीक, वो नीचे गिर गई। Her father had to carry her to the doctor. ठीक, अब क्योंकि चल नहीं पा रही है, बेहोश हो गई, तो उसके पिताजी जो थे, उनके नीतू जी के पिताजी जो थे, उन्होंने अपनी बेटी को उठाया और डॉक्टर के पास देखने आने को ले गए। द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, डॉक्टर ने कहा कि आपकी बच्ची बहुत ज्यादा बीमार है, तो क्या कीजिए, एक काम कीजिए, इसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लीजिए। शी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, उन्होंने कहा कि आपकी बेटी को ग्लूकोज की ड्रिप की आवश्यकता है। ठीक, अब आप पूछेंगे सर ग्लूकोज की ड्रिप क्या है, बिल्कुल बताएंगे सर, पहले कहानी तो पूरी पढ़ लें। ठीक, हियरिंग दिस नीतू गॉट कंफ्यूज, जैसे आप कंफ्यूज हो गए ना, ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ रही है, तो वो कंफ्यूज हो गई, ग्लूकोज की ड्रिप क्यों चढ़ेगी भाई, क्या होता है ये। शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल द टीचर समटाइम गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक, ठीक उसे पता है जब गेम्स का पीरियड होता है उसके स्कूल में तो बच्चों को थकावट ना हो इसके लिए टीचर क्या करती है, ग्लूकोज पीने के लिए देती है। लेकिन यहां पर ये बोल रहे हैं कि ग्लूकोज पीना नहीं है, नस के द्वारा, जो नस है मेरी ब्लड वेसल्स हैं उनके द्वारा मुझे ग्लूकोज चढ़ाया जाएगा। बट व्हाट वाज द ग्लूकोज ड्रिप, उनका जानना यही था कि ग्लूकोज ड्रिप क्या है, ग्लूकोज की ड्रिंक तो मेरे को पता है, ग्लूकोज ड्रिप क्या है। डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन, डॉक्टर जो मैम थी उन्होंने इनको बताया, योर स्टोमक इज अपसेट, आपका पेट जो है खराब हो रखा है बेटा। ठीक, योर बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वॉटर, ठीक क्योंकि आपका पेट खराब है, तो आपका पेट क्या कर रहा है, किसी भी प्रकार के पानी और खाने को आपके शरीर में रहने नहीं दे रहा है। ठीक, ना खाने खाना रह पा रहा है ना पानी रह पा रहा है, एंड इट हैज बिकम वेरी वीक, तो आपका स्टमक क्या हो गया, आपका टमी क्या हो गया, बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग, लेकिन अगर हम क्या करेंगे, क्योंकि आप कुछ पी नहीं पा रहे हो, आप कुछ खा नहीं पा रहे हो, अगर मैं आपको ग्लूकोज की ड्रिंक भी दे दूं तो आप उसके भी वॉमिटिंग कर दोगे, क्योंकि शरीर कमजोर हो गया है, उसको रिस्टोर होना, उसको हेल्दी फॉर्मेट में वापस आना है, तो हम क्या करेंगे, आपके खून के द्वारा, आपकी नस के द्वारा ग्लूकोज को चढ़ा देंगे, तो आपके पेट में तो ग्लूकोज जाएगा नहीं, लेकिन आपकी बॉडी में ग्लूकोज सर्कुलेट हो जाएगा। तो होगा क्या, बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, छोटे छोटे सेल्स हैं, उन तक ग्लूकोज पहुंच जाएगा, और उन तक अगर ग्लूकोज पहुंच गया तो आपका शरीर जो है धीरे 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 करके
सही हो जाएगा, ये कहा डॉक्टर अंटी ने। तो यही चीज की जाती है ग्लूकोज ड्रिप के अंदर, जब शरीर के अंदर इतनी ताकत ना हो कि वो खाना पचा सके, डाइजेस्ट कर सके, या शरीर में बिल्कुल ही ताकत नहीं है, कुछ भी खा रहे हो, पी रहे हो, वॉमिटिंग कर रहे हो, या फिर दस्त के रूप में बहा दे रहे हो, तो उस टाइम पर क्या होता है, ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाई जाती है, ताकि शरीर के अंदर खाने की जो कमी है, पानी की जो कमी है, उसको पूरा किया जा सके। यही चीज डॉक्टर मैडम ने की। ठीक, तो अब कहानी आती है मार्टिन विंडो की। अब कहानी किसकी आती है बेटा, मार्टिन विंडो की कहानी आती है। क्या है मार्टिन और क्या है मार्टिन की विंडो, इसके बारे में पढ़ते हैं। एक बहुत पुरानी कहानी है, हियर इज एन ओल्ड स्टोरी, इट सीन्स सो फनी, देयर इज अ विंडो इन द मार्टिन्स कमिंग। ठीक, एक बहुत पुरानी कहानी है। पुरानी कहानी में क्या है, एक मार्टिन नाम का सोल्जर है। मार्टिन कौन है बेटा, सोल्जर है। ठीक, मार्टिन एक सोल्जर है और उसके छे पेट में एक छोटा सा छेद है। मार्टिन के पेट में क्या है, छेद है। एक्चुअली बाय मिस्टेक मार्टिन वाज शॉट राइट इन द स्टोमक, इट ब्लीड अ लॉट। हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर के दौरान, युद्ध के दौरान, मार्टिन क्योंकि एक सोल्जर है तो उसके गलती से पेट में एक गोली लग गई, और पेट में जहां गोली लगी वहां से काफी सारा खून बहा था। द वुंड स्लोली हील्ड एंड वॉज कवर्ड बाय द स्किन। धीरे धीरे हुआ क्या, खून बहुत ज्यादा निकला था, गोली को बाहर निकाल लिया गया धीरे धीरे करके, वहां पर खाल दोबारा से वापस आ गई, हीलिंग हो गई, दोबारा से सही होने लगा। बट द होल वॉज स्टिल देयर, यू कैड पीप राइट इन। ठीक, तो घाव तो सही हो गया, लेकिन अभी भी आप क्या कर सकते थे, उस होल को खोल कर देख सकते थे, आसानी से अंदर देख सकते थे। तो हुआ क्या, ओ व्हाट अ चांस फॉर द डॉक्टर्स टू स्टडी। अब क्योंकि डॉक्टर ने कभी पेट को खोलकर पढ़ा नहीं था, एक जिंदा आदमी के तो पढ़ा ही नहीं था, तो उन्होंने देखा कि मार्टिन के पेट में एक विंडो लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसको कभी भी बंद कर दो, कभी भी खोल लो, तो डॉक्टरों के लिए फायदा हो गया। डॉक्टर ने क्या कर सकते हैं, अब पढ़ सकते हैं। वो क्या पढ़ेंगे, व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी, कि पेट के अंदर जो खाना जाता है उससे होता क्या है, पेट में खाना जाने के बाद हो क्या रहा भैया, पेट में खाने का क्या हो रहा है वहां पर। द स्टोरी सीम्स ऑड बट इट इज रियली ट्रू। असल में आपको सुनने में उल्टी सीधी लग रही होगी, आपको लग रहा होगा सर कहानी बना रहे हैं, बुक वाले कहानी बना रहे हैं, बट असल में ये एक सच्ची घटना है। ठीक, असल में ये एक सच्ची घटना है। द सीक्रेट ऑफ मार्टिन स्टोमक हेल्प अस ऑल, मी एंड यू, टू स्टडी अबाउट द स्टोरी। ठीक, ये राजेश उत्ताशी चकम चमक थे जिन्होंने अगस्त 1985 में ये स्टोरी लिखी थी। ठीक, हमने मार्टिन की उस विंडो से ये पता लगाया कि कैसे खाना पचता है, खाने के साथ पेट में जाने के बाद क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें वहां से ही पता चली थी, ये कहानी बिल्कुल सत्य है। तो कहानी पढ़ते हैं स्टमक विद विंडो के बारे में, कुछ इस प्रकार से। ये है हमारा मार्टिन, कौन है ये, मार्टिन है। ठीक, मार्टिन इज अ सोल्जर, ये है डॉक्टर साहब। ठीक, और ये रही विंडो, क्या है ये, विंडो है, पेट के अंदर एक खिड़की है, पेट के ऊपर एक खिड़की है जिसके अंदर से हम झांक कर देख सकते हैं पेट के अंदर क्या हो रहा है बेटा। ठीक, इन द पोयम, अब पोयम के बारे में पढ़ते हैं, वो जो पीछे मैंने पढ़ाई ना वो पोयम है। इन द पोयम यू रीड अबाउट अ सोल्जर कॉल्ड मार्टिन। ठीक, आपने एक सोल्जर की कहानी पढ़ी, सोल्जर यानी कि एक सैनिक की कहानी पढ़ी, सैनिक का नाम क्या बेटा, मार्टिन है। इन 1822, 1882 के अंदर ही वॉज 18 ईयर्स ओल्ड, कितने साल के थे वो, सिर्फ 18 साल के थे। ठीक, 18 साल के थे एंड वॉज वेरी हेल्दी। ठीक, 18 साल के थे और बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, हृष्ट पुष्ट थे। ठीक, वेन ही वॉज शॉट ही गॉट सीरियसली हर्ट, जब वो युद्ध में गए थे तो उनके गोली लगी थी, और गोली लगी थी तो बहुत ज्यादा तकलीफ हुई होगी, बहुत ज्यादा दुख हुआ होगा उनको। एट दैट टाइम डॉक्टर बीमाउंट वॉज कॉल्ड टू ट्रीट हिम। ठीक, डॉक्टर का नाम क्या है, डॉक्टर बीमाउंट। ठीक, जहां जहां पर मार्क लगाए उनको एनसीईआरटी में मार्क कर लीजिएगा। डॉक्टर बीमाउंट नाम के एक डॉक्टर को बुलाया गया ताकि वो उनका इलाज कर सके। डॉक्टर बीमाउंट क्लीन द वाउंड एंड पुट द ड्रेसिंग। डॉक्टर माउंट ने क्या किया, जो घाव था उसको साफ किया और उसके ऊपर पट्टी लगा दी। आफ्टर 1.5 ईयर द डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन्स वुंड हैव ही एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। एक साल बाद जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि मार्टिन का जो घाव था वो तो सही हो गया है, लेकिन एक चीज रह गई है, क्या चीज रह गई है, ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टमक। मार्टिन तो सही हो गया है,
घाव तो सही हो गया है, लेकिन उसके पेट में एक बहुत बड़ा छेद रह गया, कुछ इस प्रकार का छेद जो है उसके पेट में हो गया है। फिर द होल वॉज कवर्ड विद अ लूज फ्लैप ऑफ स्किन, ठीक, जो होल था उसको कवर अप करने के लिए क्या था, एक छोटा सा कवर लाइक स्ट्रक्चर था, जैसे ढक्कन होता है ना, ऐसे ढक्कन टाइप का एक स्ट्रक्चर मौजूद था उसके पेट पर, ठीक। लूज फ्लैप ऑफ स्किन वॉज देयर लाइक अ वॉशर इन अ फुटबॉल, जैसे फुटबॉल के ऊपर से ऐसे खालसी उधड़ाती है ना, ऐसे टाइप का फ्लैप था। प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इन टू द मार्टिन स्टमक, ठीक। आप क्या करोगे, आप इसको अगर खोल लेते हो तो आप आसानी से मार्टिन के पेट के अंदर झांक के देख सकते हो। नॉट ओनली दैट, डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट द फूड फ्रॉम द स्टमक बाय पुटिंग अ ट्यूब इन द होल। इतना ही नहीं है, वो सिर्फ देख ही नहीं सकते, अगर वो पेट के अंदर एक छोटी सी ट्यूब डाल देना तो मार्टिन ने जो जो खाना खाया होगा उसको भी बाहर निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया बात है भाई। डॉक्टर ब्रीमाउंट फेल्ट दैट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर, डॉक्टर बीमाउंट को लगा कि मैंने एक खजाना खोज लिया। क्या खोज लिया, एक खजाना खोज लिया है। कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंट ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑन द स्टमक, आपको क्या लगता है कितने सालों तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, बुक के अंदर ही आंसर दिया हुआ है, 9 ईयर्स। कितने, 9 ईयर्स, नोट कर लीजिएगा। सवाल आया था कि बीमाउंट ने, डॉक्टर बीमाउंट ने मार्टिन के पेट के ऊपर कितने सालों तक एक्सपेरिमेंट किया था, 9 साल। कितने, 9 ईयर्स तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था मार्टिन के पेट के ऊपर, पेट को देख के या पेट के अंदर से कंटेंट निकाल के। ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड गॉट मैरिड, इसके दौरान हुआ क्या कि मार्टिन जो था वो बड़ा भी हो गया और उसकी शादी भी हो गई थी, तब भी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चलता रहा। एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वॉज डाइजेस्टेड, क्योंकि ये 9 साल तक क्यों चला, वो इसलिए चला क्योंकि उस टाइम तक साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि खाना पचता कैसे है, हाउ इट यूज टू डाइजेस्ट, हम लोग जो खाते हैं वो पेट के अंदर जाता कहाँ है, उसका होता क्या, ये कुछ नहीं पता था। हाउ डज द लिक्विड जिसको डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं इन द स्टोमक हेल्प, किस प्रकार से जो डाइजेस्टिव जूस हमारे पेट के अंदर मौजूद है वो किस प्रकार से डाइजेशन को, पाचन को मदद कर रहा है। डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट, क्या ये सिर्फ खाने को सॉफ्ट करने के लिए, उसे गीला करने के लिए है, या फिर ये डाइजेशन में भी हेल्पफुल है, कुछ के बहुत सारे सवाल थे, उन सवालों के जवाब नहीं थे उस टाइम पर डॉक्टरों के। लेकिन जब मार्टिन के पेट में छेद देखा जिसको आसानी से खोला या बंद किया जा सकता था, बिना मार्टिन को नुकसान पहुंचाए उसके ऊपर स्टडी की जा सकती थी, तब इन सारे के सारे सवालों के जवाब जो है आसानी से डॉक्टरों के सामने निकल आए थे। डॉक्टरों ने तभी बता दिया था कि क्या क्या चीजें हुई। तो डॉक्टरों ने क्या किया, डॉक्टर बीमाउंट जो थे उन्होंने एक लिक्विड बाहर निकाल लिया, जूस बाहर निकाल लिया, जूस का मतलब अनार का या उसका नहीं है, स्टमक जूस निकाला है, ठीक, कौन सा, स्टमक जूस बाहर निकाला है, आउट ऑफ द स्टमक, स्टमक से स्टमक जूस बाहर निकाल लिया। ही वॉन्टेड टू सी दैट, वो देखना चाहते थे, क्या देखना चाहते थे भाई, ही वॉन्टेड टू सी दैट वट वुड हैपन टू अ फूड आइटम केप्ट इन अ ग्लास फिल्ड विद इट। तो उन्होंने क्या किया, मार्टिन के पेट में एक ट्यूब डाली, ट्यूब से उसके पेट में जितना भी जूस था उसका कुछ हिस्सा निकालकर एक गिलास में रख लिया। अब वो क्या करते थे, इस गिलास के अंदर थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाने का आइटम डाल के रख देते थे और देखते थे कि होता क्या है, ठीक। वुड इट गेट डाइजेस्ट ऑन इट्स ओन, वो देखते थे कि खाना अपने आप डाइजेस्ट हो जाएगा कि नहीं होगा। फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट, ठीक, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि खाना खुद अपने आप डाइजेस्ट हो जाएगा, हजम हो जाएगा कि नहीं, इसको पता लगाने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट था, विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब ही टुक आउट सम डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द स्टमक, ठीक। उन्होंने क्या किया, ये पता लगाने के लिए कि खाना अपने आप डाइजेस्ट हो जाता है कि नहीं, उसका पता लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक ट्यूब के द्वारा, एक पाइप के द्वारा मार्टिन के पेट से थोड़ा सा जूस बाहर निकाला, ग्लास में रख लिया, ठीक। एट 8:30 AM सुबह के 8:30 बजे उन्होंने क्या किया, 20 tiny pieces ऑफ बॉइल्ड फिश इन 10 ml ऑफ जूस, ठीक, याद रखिएगा और मार्क कर लीजिएगा। उन्होंने क्या किया, सुबह के 8:30 बजे उन्होंने 20 tiny pieces, ठीक, छोटे छोटे मछली के जो पीस थे, बॉइल्ड फिश के जो पीस थे, मछली को उबाला उसके छोटे छोटे 10 पीस किए, उसको 10 ml ऑफ जूस के अंदर रख दिया, ठीक। ये रहा मेरा जूस, यहां तक भरा हुआ है 10 ml भरा हुआ है, 10 ml भरा हुआ है, ml है, ठीक, 10 ml है, 8:30 बजे इसके अंदर 10 पीसेस डाल के छोड़ दिए। ठीक, 10 पीसेस 8:30 बजे डालकर छोड़ दिए, ठीक।
ही केप्ट द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ स्टोमक, ठीक, क्योंकि पेट का जितना टेम्परेचर था उसी टेम्परेचर पे उन्होंने रखा। कितना टेम्परेचर था पेट का? 30 डिग्री सेल्सियस। मार्क कर लीजिएगा बेटा, पूछा जाता है। 30 डिग्री सेल्सियस पेट का तापमान था, उसी टेम्परेचर पे उन्होंने ग्लास को रख दिया। व्हेन ही चेक्ड एट 2 PM, जब उन्होंने दोपहर के 2 बजे पता लगाया तो पता चला पीसेज ऑफ फिश हैज डिवॉल्व, ठीक। ये 8:30 बजे की बात है जब उन्होंने पीसेज रखे थे, ठीक। जब 2 बजे देखते हैं तो एक क्लियर सोल्यूशन सा दिख रहा था, कितने बजे? 2 बजे, ठीक। एट 2 PM इट वॉज क्लियरली अवेलेबल, क्योंकि फिश के जो पीस थे क्या हुए थे? उसी सोल्यूशन में घुल गए थे। क्या हो गए थे? घुल गए थे। फिर डॉक्टर बीमाउंट ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम्स, उन्होंने ये काम अलग अलग खाने के साथ भी किया, ठीक। ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम एंड देन कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर द फूड टू बी डाइजेस्टेड, ठीक। जैसे वो खाना खा रहे थे ना, जैसे खाना वो ग्लास के अंदर रख रहे थे, सेम खाना वो मार्टिन को भी खिला रहे थे, ये पता लगाने के लिए कि बाहर के एनवायरमेंट में खाना कितनी देर में पचेगा और शरीर के अंदर खाना कितनी देर में पच जाएगा या हजम हो जाएगा, ठीक। ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन इन द टेबल, उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल में रखा था और इन टेबल को दिखाया गया है, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर से भी सवाल बन जाता है, ठीक। क्या बन जाता है? इससे भी सवाल बन जाता है। उन्होंने क्या किया? अनबॉइल्ड मिल्क, ठीक, कच्चा दूध जो होता है उसको रखा था। अगर स्टोमक यानी कि मार्टिन को खाने के लिए दिया है तो 2 घंटे 15 मिनट में डाइजेस्ट हो गया, टाइम टेकन फॉर डाइजेशन 2 घंटे 15 मिनट में डाइजेस्ट हो गया था। लेकिन ग्लास में जो रख रखा था यानी कि मार्टिन के पेट के बाहर जो जूस रख रखा था वो 4 घंटे 45 मिनट में डाइजेस्ट हुआ। कितने? 4 घंटे 45 मिनट में, ठीक। अगर उबला हुआ दूध पिया था तो 2 घंटे में हजम हो गया था, वहीं पर ये दूध 2 घंटे 15 मिनट में हजम हुआ था, किसमें? ग्लास में, ठीक। पेट के अंदर 2 घंटे में हो गया तो 4 घंटे 15 मिनट में किसमें हो गया था? ग्लास में हो गया था, ठीक। पूरी तरीके से उबला हुआ अंडा जो था वो 3 घंटे 30 मिनट में पेट के अंदर हजम हो गया था और 8 घंटे में हजम हुआ था ग्लास में, ठीक। हाफ बॉइल्ड एग, आधा कच्चा था अंडा, ठीक, आधा उबला अंडा था वो 3 घंटे में उबल क्या कहते हैं खत्म हो गया था पेट में, 6 घंटे में खत्म हुआ था ग्लास में, ठीक। रॉ एग बीटन, ठीक, कच्चा अंडा जो था वो 2 घंटे में हजम हो गया था पेट के अंदर, 4 घंटे 15 मिनट में हजम हुआ था ग्लास के अंदर। रॉ एग जो है 1 घंटे 30 मिनट में, कच्चा पूरा का पूरा साबित अंडा जो था वो 1 घंटे 30 मिनट में पेट के अंदर हजम हो गया था और 4 घंटे में पेट के बाहर यानी कि ग्लास में हजम हो गया था, ठीक। तो सवाल पैदा होता है, व्हाट डज द स्टमक डू, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भैया। पेट के अंदर इतना जल्दी हजम हो जा रहा है, बाहर क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है इसका? तो कारण बताया था डॉक्टर बीमाउंट डिड मेनी एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड आउट मेनी सीक्रेट्स अबाउट द डाइजेशन। ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टोमक देन द आउटसाइड, ठीक, बाहर के मुकाबले पेट के अंदर खाना जो है जल्दी हजम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अवर स्टमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर, ठीक। क्योंकि पेट के बाहर वो ग्लास तो एक ही जगह पर रखा हुआ है ना, उसके अंदर लिक्विड का मूवमेंट हो रहा है ना, उसको बार बार घुमाया जा रहा, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन शरीर के अंदर आप सांस ले रहे हो, ठीक, आप सांस लोगे तो बाहर छोड़ोगे पेट को, सांस लोगे अंदर, क्या कहते हैं, सांस अंदर लोगे तो पेट अंदर होगा, छोड़ोगे तो बाहर आ जाएगा, ठीक। तो पेट क्या हो रहा है? बार बार बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है। तो इसकी बदौलत हो क्या रहा है? खाने के ऊपर बार बार प्रेशर लग रहा है, कम हो रहा है, लग रहा है, कम हो रहा है, लग रहा है, कम हो रहा है। इसकी बदौलत जो पेट के अंदर केमिकल है वो क्या कर रहा है? खाने को जल्दी से रिएक्ट करके हजम कर दे रहा है, घोल दे रहा है, डिजोल्व कर दे रहा है उसे, ठीक है। लेकिन ग्लास के अंदर ये चीज नहीं हो रही, ग्लास में तो वो ऐसा कैसा ही रखा हुआ है ना, मैं ग्लास को हिला रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा उसको, जैसा ग्लास वहां पर रखा था वैसे फॉर्मेट में भी ग्लास रखा ही हुआ। सो स्टमक के अंदर क्या होता है? खाना चर्न होता रहता है, यानी कि बार बार उसके ऊपर प्रेशर लगता रहता है, घटता रहता है। डॉक्टर ऑल्सो सो दैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वाज सेड, ठीक, खाना
मार्टिन के पेट में हजम जल्दी नहीं हो रहा था। कब? जब मार्टिन सैड हो जा रहा था, बहुत दुखी रहता था, तो मार्टिन के पेट का खाना क्या था, जल्दी हजम नहीं होता था। यानी कि अगर आपका अच्छा मूड है, आप हेल्दी हैं, ठीक, आप एकदम सही हैं, आपको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, तो आपका खाना जल्दी हजम हो जाएगा। आपको कोई बीमारी है, आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, आपके सर में टेंशन है, ठीक, आपका पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं, गुस्सा आ रहा है, तो खाना जो है देर से हजम होगा। ही ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इन अवर स्टोमक इज एसिडिक। क्या था? हमारे पेट के अंदर जो जूस पाया जाता है वो कैसा होता है बेटा? एसिडिक होता है। मार्क कर लीजिएगा। हैव यू हर्ड ऑफ एनी वन टॉकिंग अबाउट द एसिडिटी? क्या आपने कभी किसी के बारे में मुंह से सुना है कि हमको एसिडिटी हो गई है, जलन हो रही है यहाँ पर, ठीक, खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं? ये क्यों होती है? क्योंकि तो पेट के अंदर जो एसिड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? या तो आप ज्यादा खा लो या बिल्कुल खाना ना खाओ, तब एसिड का अमाउंट क्या हो जाता है बेटा? बढ़ जाता है। स्पेशली वेन दैट पर्सन हैज नॉट ईटन वेल और द फूड इज नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली। कब होता है स्पेशली? जब उसने खाना अच्छे से ना खाया हो या खाना अच्छे से हजम ना हुआ हो, तब आपको एसिडिटी जैसा टर्म जो है सुनने को मिल जाता है किसी व्यक्ति के मुंह से। ये कहना चाह रहे हैं वो, ठीक। और क्या बताया था डॉक्टर बीमाउंट एक्सपेरिमेंट्स? डॉक्टर बीमाउंट एक्सपेरिमेंट बिकेम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड क्योंकि मार्टिन के ऊपर उन्होंने 9 साल तक पढ़ाई की, ठीक, लोगों को बताया कैसे कैसे खाना पचता है, क्या चीजें होती हैं पेट के अंदर, क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे बदलेंगी, ये सारी की सारी चीजें बताई ना लोगों के सामने लेकर आए। तो मार्टिन और डॉक्टर बीमाउंट जो थे वो क्या हुए, लोगों के सामने फेमस हो गए, तो उनकी पहचान होने लगी, हर कोई जानता था, देखो ये वही डॉक्टर है जिसने बताया कि खाना कैसे हजम होता है, पेट के बाहर कितने देर में होगा और पेट के अंदर कितनी जल्दी हो जाएगा, ये सब बताया उन्होंने, ठीक। आफ्टर दिस मेनी साइंटिस्ट डिड मेनी सच एक्सपेरिमेंट। डॉक्टर बीमाउंट क्या थे? पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टमक के डाइजेशन के ऊपर काम किया था, लेकिन बीमाउंट के बाद क्या हुआ, साइंटिस्टों में रेस लग गई कि अब मैं पता लगाऊंगा कि भैया इंटेस्टाइन का क्या काम है, मैं पता लगाऊंगा कि टेस्ट का क्या काम है, आपके ये फूड पाइप का क्या काम है, इंटेस्टाइन का क्या काम है, आपके शरीर में खाना कैसे पहुंच रहा है, सारी की सारी चीजें पढ़ने के लिए क्या हुआ, डॉक्टरों के बीच में या फिर साइंटिस्टों के बीच में एक रेस चालू हो गई। व्हाट डिड यू से? नो, दे डिड नॉट शूट द पीपल इन द स्टमक, ठीक है। देखिए सुनिए, इसके लिए उन्हें लोगों के गोली नहीं मारनी पड़ी, लोगों के पेट में गोली मारकर पड़ने की जरूरत नहीं थी, ठीक। डॉक्टर बीमाउंट को तो एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, ठीक, और उसके अंदर उन्होंने खुद गोली नहीं मारी थी, उन्होंने तो भैया अपने डॉक्टर का कर्तव्य निभाया था। उन्होंने क्या किया था, ड्रेसिंग लगा दी, उन्होंने सोचा कि अच्छे से पेट का जो छेद है वो बंद हो जाएगा, बिल्कुल सही थे, बंद हो जाता, लेकिन वो बंद हुआ नहीं, ऊपर वाला चाहता ही नहीं था कि बंद हो, ऊपर वाला चाहता था कि वो पढ़े, लोगों को बताए कि कैसे चीजें अलग हैं इनसे, कैसे चीजों को पढ़ा जाता है, क्या है पेट के अंदर क्या हो रहा है, तुम्हारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, पता होना चाहिए। तो साइंटिस्टों को फिर दोबारा से किसी को गोली मारने की जरूरत नहीं थी, और पेट में तो बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक। नॉट डिड दे वेट फॉर अ पेशेंट विद अ होल इन स्टमक, ठीक, ना ही उन्हें गोली मारने की जरूरत पड़ी, ना ही उन्हें इंतजार करना पड़ा कि कोई पेशेंट आएगा जिसके पेट में छेद होगा तब जाकर पढ़ाई करेंगे, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। दे यूज अदर साइंटिफिक वेज टू लुक इन साइड अवर बॉडीज, ठीक, उन्होंने और अलग अलग तरीके अपनाए जिनके थ्रू वो देख सकते थे कि पेट के अंदर क्या हो रहा है। उन्होंने अल्ट्रासोनोग्राफी, यूएसजी के सहारा लिया, उन्होंने एक्सरेज का सहारा लिया, उन्होंने कई अलग अलग चीजों का सहारा लिया, तब पता किया कि पेट के अंदर स्ट्रक्चर कैसा है, इंटेस्टाइन कैसी दिखती है, स्टमक कैसा दिखता है, लिवर कैसा दिखता है, पेनक्रियास कैसा दिखता है, लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होता है, ये सारी की सारी चीजों के बारे में जानकारी उन्होंने आगे से इकट्ठा करनी चालू की, तब जाके उन्होंने दुनिया के सामने रखी और आपकी अगली आने वाली क्लासों में उनको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो क्या आपको मार्टिन की स्टोरी बढ़िया लगी? मार्टिन के बारे में जानकर अच्छा लगा, पता चला पेट के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक। और शुड वी हैव द स्टोरी ऑफ अवर ओन स्टमक? लेकिन क्या आया, तो आपको मार्टिन की स्टोरी अच्छी लगी, नहीं तो अपने पेट में छेद करो, उसके अंदर देखने लग जाओ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये आपकी समझ के लिए है, आपको पता चले कि शरीर के अंदर क्या हो रहा है बेटा, ठीक है ना। ऐसा नहीं घर जाके पेट के अंदर ऐसे यूं चाकू से काट के बता रहे कि मम्मी देखो जरा पेट के अंदर क्या हो रहा है, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के मम्मी मारेंगी अलग से, ठीक। तो डॉक्टर, गुड फूड गुड हेल्थ, ठीक, अच्छा खाना और अच्छी सेहत, तो इसकी बात किसने की? डॉक्टर अर्पणा जो है उन्होंने इसकी बात की थी। क्या बोला था? डॉक्टर अर्पणा के दो पेशेंट थे, रश्मि और कैलाश, रश्मि और कैलाश नाम के दो पेशेंट थे। तो डॉक्टर अर्पणा ने क्या किया, उनसे बात की, क्या करने के लिए, पता लगाने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए, ठीक। तो डॉक्टर अर्पणा ने क्या पता लगाया, चलिए बात करते हैं। तो रश्मि 5 साल की है,
पहले रश्मि की कहानी पढ़ते। रश्मि क्या है? 5 साल की है। शी लुक्स अबाउट 3 ईयर्स ओल्ड। है तो असल में 5 साल की, लेकिन 3 साल की दिखती है बच्ची। शी हैज वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स। कैसी है वो? बहुत ही पतले से हाथ हैं, बहुत ही पतली सी टांगे हैं, और पेट क्या है? निकला हुआ है। पेट क्या है? फूला हुआ, एक मटके जैसा है। पॉट बेली है। स्टमक लाइक अ बैलून। स्टमक कैसा है? बैलून जैसा है। ठीक। शी ऑफन फॉल्स सिक। वो क्या होती रहती है? वो बार 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 बीमार होती रहती है। ठीक। यानी कि क्या है? शरीर कमजोर है उसका, खाने की कमी है उसके अंदर। शी ऑलवेज फील्स टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली। वो हमेशा क्या रहती है? थकी हुई महसूस करती है, हमेशा थका हुआ सा महसूस करती है, और बराबर स्कूल नहीं जा पाती है, रेगुलर बेसिस पर स्कूल नहीं जा पाती है। शी डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले। ठीक। उसके पास इतनी भी ताकत नहीं होती है कि वो खेल सके, वो कुछ ग्राउंड में जाकर एक्टिविटीज करेगा, बिल्कुल भी ताकत नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों भाई? शरीर पतला पड़ा हुआ है। अब बोलोगे सर पेट तो निकला हुआ। बेटा पेट तो निकला हुआ, पेट के अंदर जो खाया है ना सर वही है उसके में, लेकिन शरीर में लग नहीं रहा है। तो फूड क्या है? वो क्या खाना खाती है उसके बारे में बताया है। फूड। शी इज लक्की इफ शी कैन गेट अ लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट इन द होल डे। ठीक। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर पूरे दिन में उसे थोड़े से चावल या 1 रोटी ही मिल जाती है तो इसका गुजारा हो जाता है। यानी कि क्या बेटा? खाने की कमी है। क्या है? खाने की कमी है, शरीर में खाना ही नहीं जा रहा है। और जब क्योंकि बच्ची बड़ी हो रही है ना, तो बच्चे को बड़े होने के लिए खाने की जरूरत है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। अब वो कुछ खा ही नहीं रही है, तो शरीर के अंदर कुछ लग ही नहीं रहा, और कुछ नहीं लग रहा है तो क्या हो रही है? माल नरिश्ड हो जा रही है, यानी कि कुपोषण का शिकार हो रही है। क्या हो रही है? कुपोषण का शिकार हो रही है। वहीं पर कैलाश की बात की गई है। कैलाश क्या है बेटा? 7 साल का है। ठीक। है तो 7 साल का, लेकिन अपनी उम्र से बहुत ज्यादा बड़ा लगता है। देखो कुछ ऐसा है कैलाश, मोटा मोटा सा, थुलथुला सा। ठीक। एकदम थुलथुला सा, गोलू मोलू सा है। ठीक। इज बॉडी इज फैट एंड फ्लैबी। ठीक। मोटी सी और थुलथुली टाइप की इसी है। ठीक। ही हैज पेन इन हिज लेग। उसके पाँव में हमेशा दर्द रहता है। क्यों रहता भाई? इतना शरीर वजन है ऊपर से, टांगों में इतना वजन ही नहीं है, टांग इतना वजन झेल ही नहीं पा रही है, दर्द रहता है। ही इज नॉट वेरी एक्टिव। वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, चलने फिरने में एक्टिव नहीं है। थोड़ा सा चलेगा थक जाएगा, हाय रब्बा थक गया, बैठना पड़ेगा, ये करता रहता है। ठीक। ही गोज टू स्कूल बाय बस एंड स्पेंड्स मेनी आवर्स वॉचिंग टीवी। ठीक। वो स्कूल जाता है किससे? बस से जाता है। स्कूल जाएगा, स्कूल से घर वापस आएगा तो टीवी देखता रहेगा आधे से ज्यादा टाइम, बहुत घंटों घंटों टीवी देखता रहेगा एक जगह पड़ा पड़ा। ठीक। क्या क्या खाता है भाई वो? ही डज नॉट लाइक टू ईट होम कुक्ड फूड, दाल राइस वेजिटेबल्स एंड रोटी। उसे घर का खाना पसंद नहीं है, घर का खाना नहीं खाता भाई। घर की दाल रोटी अच्छी नहीं लगती उसे, घर की सब्जियां अच्छी नहीं लगती उसे, घर की रोटियां अच्छी नहीं लगती उसे। इसकी जगह पे क्या खाता है? वो टेस्टी खाना, जैसे कि चिप्स हो गई, बर्गर हो गए, पिज्जा हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक हो गई। ठीक। जो मार्केट से आती है ना, वो खाना उसको पसंद है। तो इससे वो क्या रहा है? उन खाने के अंदर बहुत ज्यादा फैट है। क्या है उस खाने में? क्या है बेटा? फैट है। ठीक। तो वो फैट क्या करता है? खाना। अब क्योंकि ये एक्टिविटी तो करते नहीं है, अब ये एक्टिविटी नहीं करेंगे तो खाने में शरीर क्या कहेगा? फंसता चला जाएगा, एक जगह पे इकट्ठा होता चला जाएगा, शरीर क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। और अगर शरीर के अंदर फैट्स नहीं है, प्रोटीन्स नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो क्या हो जाएगा? शरीर सूखा हो जाएगा, यानी कि रश्मि जैसा हाल हो जाएगा। तो ये इसके पास किसकी डिफिशियंसी है? इसके पास डेफिशिएंसी है किसकी बेटा? इसके पास डेफिशिएंसी है प्रोटीन की। ठीक। प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, इसके पास कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी है। आप बस याद कर लीजिए क्या होता है। ठीक। इसके पास फैट की डेफिशिएंसी है। ठीक। शरीर को यही 3 चीजें चाहिए होती हैं एकदम बराबर अमाउंट में, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बराबर अमाउंट में चाहिए। ठीक। अगर कम मिलेंगी तो क्या हो जाता है? रश्मि किससे जूझ रही है? माल नरिशमेंट। किससे? माल नरिशमेंट, यानी कि खाने की कमी है इसके अंदर, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, कुपोषित है। क्या है? कुपोषित। ठीक। क्या है? कुपोषित है। अरे सॉरी बेटा, हिंदी में थोड़ा सा कमजोर है आपके सर। ठीक। अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते इतने ज्यादा अंग्रेजी पढ़ लिए हैं। क्या है ये बच्ची? क्या है? कुपोषित है, माल नरिश्ड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डिफिशियंसी है, लो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट है। इसके पास क्या है? एक्सेसिव फैट्स है। तो ये क्या हो गया है? ओबेसिटी का शिकार है। किसका? मोटापे का शिकार है। किसका शिकार है बेटा? ओबेसिटी का शिकार है ये।
ठीक, इसका शिकार ओबेसिटी यानी कि मोटापे का शिकार है। किस लिए? क्योंकि इसके पास एक्सेसिव फैट है। और ओबेसिटी क्यों आ रही है? ड्यू टू दी लैक ऑफ एक्सरसाइज, ड्यू टू दी लैक ऑफ एक्सरसाइज। किसी टाइप की भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है ना भाई हमारा, स्कूल जाता है तो बस जा रही है, बस वापस लेके आ रही है। ठीक, घर आ गया तो आराम से मम्मी को बोल दे रहा, मम्मी मेरा एक पिज्जा और एक बर्गर मंगा देना। ठीक, मम्मी पिज्जा और बर्गर मंगाएंगी, भाई साहब आराम से बैठ जाएंगे, पिज्जा बर्गर खाएंगे, टीवी देखेंगे, फिर पढ़ने भी बैठेंगे तो जाएंगे एक जगह बैठ जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे और सो जाएंगे। तो शरीर थोड़ा सा भी चल नहीं रहा है, तो शरीर को एनर्जी चलाने की जरूरत ही नहीं है। तो हो क्या रहा है, शरीर के अंदर खाना एकदम से बढ़ता चला जा रहा है, मोटापा बढ़ता चला जा रहा है। अब शरीर बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा, 60 साल का तो है, अगर 80 किलो का वजन हो जाएगा तो टांगों में तो दर्द हो गई। क्यों? क्योंकि टांगे जो हैं वो एक स्पेसिफाइड वजन को होल्ड कर सकती हैं। बहुत ज्यादा वजन रख दूंगा मैं इन दो उंगलियों के ऊपर तो उंगलियां टूट जाएंगी। तो अगर इन दो उंगलियों को मैं अपनी टांगे मान लूं और अपना शरीर को मैं क्या कहते हैं भार मान लूं, तो भार अगर बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा, वेट बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा, तो टांगों में क्या होगा, दर्द होगा, धीरे धीरे करके टांगे टूट जाएंगे, फिर मैं चलूंगा ही नहीं। यही चीज हो रही है। तो डॉक्टर अर्पणा ने क्या किया, हाइट और वेट को मेजर किया, इन दोनों की हाइट और वेट को मेजर किया। देन शी टोल्ड देयर इज ओनली वन ट्रीटमेंट फॉर बोथ ऑफ योर प्रॉब्लम्स, प्रॉपर फूड। ठीक, तुम्हारी बीमारी का एक ही इलाज है। क्या इलाज है? बराबर खाना खाना। ठीक, बराबर खाना खाने का मतलब नॉट मच फूड, बहुत ज्यादा नहीं, नॉर लेस। ठीक, ना तो बहुत ज्यादा खाना है ना बहुत कम खाना है, क्या खाना है, बैलेंस्ड खाना है। कैसा खाना है? बैलेंस्ड खाना खाना है। ठीक, बैलेंस्ड डाइट आपको खानी है। ठीक, बैलेंस्ड डाइट का मतलब दिन में आपको क्या करना है बेटा, एक टाइम में आपको दो क्या कहते हैं 3 से 4 रोटी खानी है। क्या खानी है? 3 से 4 रोटी खानी है, उसके साथ 1 कप राइस। ठीक, क्या खाना है, 1 कप राइस और ग्रीन वेजिटेबल। ठीक, क्या करना है, ग्रीन वेजिटेबल खानी है। ठीक, और 3 से 4 लीटर पानी जो है, 3 to 4 लीटर वाटर जो है पर डे आपको कंज्यूम करना है। ये है आपकी बैलेंस्ड डाइट। क्या है? बैलेंस्ड डाइट। अगर कोई व्यक्ति इतना खाता है तब उसका शरीर बरकरार बना रहेगा, एकदम हेल्दी रहेगा, उसको बीमारियां नहीं होंगी। ठीक, वो कमजोर महसूस नहीं करेगा, या फिर उसके ऊपर मोटापा नहीं आएगा, ओबेसिटी नहीं आएगी, फुलफुला नहीं होगा, तब जाकर शरीर बरकरार रहेगा। दोनों बच्चों में क्या है, जो रश्मि थी वो खाना ही नहीं खा रही थी, 1 रोटी मुश्किल से पूरे दिन में खा रही है। ये मैं क्या कह रहा हूँ, 3 से 4 रोटी पर डाइट पे खानी है आपको। पर डाइट पे यानी कि दोपहर को 3 से 4 रोटी, रात को 3 से 4 रोटी। ठीक, ऐसे बोला है मैंने, लेकिन वो क्या कर रही है, अर्पणा कुछ भी नहीं खा रही, और क्या कहते हैं सॉरी रश्मि कुछ भी नहीं खा पा रही है। और वहां पर वो क्या कर रहे हैं, भाई साहब इन सबको तो खा नहीं रहे हैं, वो पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, उनके अंदर वैसे ही बहुत ज्यादा तेल है, बहुत ज्यादा फैट है, तो शरीर क्या हो जा रहा है, मोटा हो जा रहा है बेटा। ठीक, यू हैव रीड अबाउट द टू चिल्ड्रन, हमने दो चिल्ड्रन के बारे में पढ़ा। एक है कैलाश, जिसको बिल्कुल भी होममेड खाना क्या है, पसंद नहीं, ही डजंट लाइक होममेड फूड। द अदर वन इज रश्मि, हु डज नॉट इवन गेट वन प्रॉपर मील अ डे। ठीक, एक जगह रश्मि है जिसको दिन का एक बार का अच्छे से खाना नहीं मिलता, और एक जगह कैलाश है जो घर का खाना ही नहीं खाता, सिर्फ बाहर का खाना खाता है। ठीक, अबाउट द हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन अवर कंट्री, लगभग आधे से ज्यादा हमारे देश के अंदर जो बच्चे हैं वो कैसे बेटा, रश्मि जैसे, जिनको क्या होता है बेटा, एक वक्त का खाना भी प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। दे डू नॉट गेट इनफ फूड दैट दे नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली। ठीक, उन्हें बड़ा होने के लिए, ठीक, शरीर को बरकरार रखने के लिए उतना खाना ही नहीं मिल पाता है, जिसकी बदौलत वो अच्छे से पढ़ सकें, बढ़ सकें और आगे आ सकें। ठीक, दिस चिल्ड्रन आर वीक एंड सिकली, वो हमेशा कैसे रहते हैं बेटा, कमजोर रहते हैं, बीमार रहते हैं। कैसे रहते हैं? कमजोर और बीमार रहते हैं, ऑफन इल इन पुअर हेल्थ। ठीक, कैसी है उनकी तबीयत, हमेशा खराब रहती है, हमेशा बीमार रहते हैं। बट इट इज राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड, लेकिन ये हर एक बच्चे का अधिकार है कि उसे खाना हमेशा मिले। इसी के लिए गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं बेटा, गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कूल होते हैं, वहां पर क्या होता है, मिड डे मील मिलती है। ठीक, मिड डे मील प्रोग्राम चलता है उनके लिए, जो बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं उन बच्चों को दोपहर का जो लंच होता है वो स्कूल वाले ही प्रोवाइड कराते हैं। उसके अंदर आपकी जो प्रॉपर डाइट है,
उसको दिया जाता है ताकि बच्चे जो हैं पढ़ने के साथ साथ शरीर को भी बढ़ाने में मदद करें, उनका शरीर हेल्दी रहे, इसके लिए उन्हें खाना दिया जाता है। किसके थ्रू बेटा? स्टेट गवर्नमेंट मिड डे मील प्रोग्राम के थ्रू। ठीक, तो ये था पूरा आपका आज का लेक्चर, कंप्लीट होता है चैप्टर इसी के साथ। इसके जो भी आपके क्वेश्चंस या डीपीपीज हैं वो अपलोड हो जाएंगे इसका एड क्लासेस ऐप पर। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? ओवरऑल सेक्शन आपको कैसा लगा वीएस के बारे में हमें प्लीज जानकारी दीजिएगा। आपके कमेंट्स मैटर करते हैं स्काइट्स क्लासेस और स्काइट्स परिवार के लिए। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, डीपीपीज को सॉल्व करें। नोट्स चाहिए तो स्काइट्स क्लासेस ऐप पर आइए, डीपीपीज चाहिए तो स्काइट्स क्लासेस ऐप पर आइए, टेस्ट ज्वाइन करने हैं तो स्काइट्स क्लासेस ऐप पर आइए, और अपनी तैयारी को कीजिए पक्का, क्योंकि सपने जो हैं सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए क्या चाहिए बेटा? जुनून चाहिए। इसके लिए आपके लिए बनाया गया है जुनून 2.0 बैच, तो जाकर चेकआउट करना ना भूलें। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और हेल्दी खाएं और सुरक्षित रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।